नमस्कार, सत श्री अकाल। सिमरनजीत सिंह मान। जिसका कोई दीन ईमान नहीं, जिस तरह की गल्लां करता है लगता वह साइको है। यह दोगली किस्म का इंसान है। एक पासे तिरंगे की हजूरी विच भारत माँ की वफादारी की सहुं चुकता है। मैं सिमरनजीत सिंह मान, जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सहुं खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निडिठा रखांगा। भारत की सर्व समर्था अते अखंडता नूं कायम रखांगा अते इस अहुदे दे मैं संभालण वाला हाँ। उसके कर्तव्य नूं श्रद्धा पूर्वक निभावांगा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। दूजे पासे उसी भारत मां नाल गद्दारी की गल करता है अते उस गद्दारी नाल पैसा कमांदा है। यह बंदा पैसे खातिर कुछ भी कर सकता है। इसका ईमान पैसा, इसका धर्म पैसा, इसकी जात पैसा। ऐसे लोग पैसे की खातिर अपने वतन नू वेच देंदे हन। ते यह लोग खालिस शैतान हन अते खालिस शैतान मंगदे हन। इना दे अंदर गुण है खालिस शैतानी दा। यह बंदा भारत का ही खांदा है, भारत का ही पींदा है अते भारत विच ही रहंदा है अते भारत नाल ही गद्दारी करदा है। अते भगत सिंह वर्गे जिन्होंने भारत लई कुर्बानी कीती उन्हां नूं गद्दार कहिंदा है अते खालिस्तान बनाउण दी गल करदा है जो ना तां कदी सी ना है ते ना ही कदी बनेगा, क्योंकि देश दे वफादार सिख एह कदी नहीं होण देंगे। अपनी जान दे देंगे, भारत दे टुकड़े नहीं होण देंगे। ये पाकिस्तान पे टुकड़ों पे पलने वाले चंद खालिस्तानी, ये हमारी कौम के दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन। इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए, इनकी गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इनकी गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का पंजाब में कत्लेआम हुआ, जिसमें 19,000 हिंदू भाइयों को घरों से निकाल निकाल के, को रोटी कमाने गया था अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए, उसके हाथ में तरचूल कृपान नहीं था, बंदूक नहीं थी, जिस सरदार के सिर में पगड़ी नहीं थी, जिस ईसाई के सिर में, मुसलमान के सिर पे पगड़ी नहीं थी, उसको भी हिंदू समझ के गोलियों का निशाना बना दिया। 36,000 लोगों का खून पीने के बाद, 6 साल के अंदर 36,000 लोगों का खून पीने के बाद, ये बदमाश, ये खालिस्तानी, ये गुंडे, ये सिख कौम के दुश्मन, ये भारत माता के गदार, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले अब भी खून के प्यासे हैं। ये जो जिद्दत निज्जर मारा गया, कईयों का खून पी के गया, यहाँ पे कईयों के बहनों के सुहाग उजाड़ के चला गया, कई बच्चों को यतीम करके चला गया। और दाढ़ी खोल लो, गुरसिख बन जाओ। अरे हमारा पहरावा तो गुरु महाराज ने सुंदर दिया है। माँ कहती थी पहले, औरत कहती, पिता कहता, ट्रेन में बैठा, बस में बैठा, 100 आदमी बैठा, अरे सरदार साहब आ गए। माँ कहती मेरे 2 बच्चे होंगे, एक बेटे को सरदार बनाऊंगी। आज को बनाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, बनाता है कोई? आज नहीं को बनाता। हमने अपने रूप, अपने पहरावे इतने पवित्र, इतने सुंदर हमें गुरु महाराज ने दिए, हमने पहरावों को ही उलट कर दिया, करके बांध के असली सरदार बनो, सरदार बनो, सरदार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके धर्मों से सरदार बनते, फखर से बनते, सिखों की पहचान एक अलग है। पर सरदार बनो जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे, जिसने 71 की जंग जीती थी। सरदार बनो एयर मार्शल अर्जुन सिंह जी, पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल ऑपरेशन किया था। सरदार बनो बग्गा जी जैसे, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अमेरिका के अंदर,
इस जो कई सरदार साहब ऐसे सरदार मत बनना, हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम सिंधु बॉर्डर पे काट देते हैं, हम खालिस्तान बनाएंगे, जो हमारे खिलाफ़ बोलेगा हम उनको काट देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। पहले भी देखा था, आज भी देखता हूँ, 42 साल से लड़ रहा हूँ, बोनस की ज़िंदगी है, को बोले या ना बोले लड़ूंगा आखिरी सांस तक इस देश के लिए, मानवता के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए। भारत साड़ी जिंदगी है, साड़े खून विच साड़ा भारत है, असी भारत दे सिख हाँ और भारत साड़ा है, भारत साड़ा होमलैंड है। अज देश नाल गद्दारी करन वाले तां बोल रहे हन, ते जड़े देश दे वफादार हन वह चुप बैठे हन। उन्हां दी चुप्पी यह नहीं दसदी कि वह देश नाल खड़े हन कि देश विरोधी ताकतां नाल खड़े हन। अज साड़ी ताकत बोलन विच है, सानू अपनी विचारधारा दसनी चाहीदी है कि असी देश दे नाल खड़े हाँ। साडे देश नू नीचा दिखाण दी खातिर जो विदेशी ताकतां हमला कर रही हन, साड़ी लड़ाई उस दे खिलाफ है। अज साड़ा फर्ज बनता है कि असी निडर होके अपने देश दे नाल खड़े होइए। जो भी देश नाल खड़ा है अपनी बुलंद आवाज ते बोले, भारत माता दी जय।